स्टूडेंट्स हम सीख रहे हैं क्लास सेवन मैथमेटिक्स इसके चैप्टर नंबर सिक्स हम सीख रहे थे आज के स्टोरी में हम रिव्यू एक्सरसाइज सिक्स के क्वेश्चन नंबर फाइव से एलवेंथ तक अच्छी तरह से सीखेंगे ठीक तो पिछले वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं शुरू करते हैं आपके पास सवाल है फाइव सिम्पलीफ़ाई कर देने हैं उन्होंने सवाल में दिया हुआ है टू एक्स प्लस माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस वन का हो चुके ठीक है इसको सिम्प्लीफ़ाई कर देनी है तो यक़ीन आप जिस से चाहो कर सकते हैं फार्मूला यूज़ करेंगे तो जल्दी से आपको आंसर मिलेंगे नहीं तो आप को इसके साथ वन को इसके साथ इस यहां पे दो टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में माइनस करेंगे तो लेंथी जरूर होंगे आंसर आएंगे मसला नहीं है ठीक फार्मूला यूज़ करेंगे आपको दो तीन स्टेप्स में आपको आंसर मिल जाएंगे ठीक तो आपने फार्मूला यूज करना है फार्मूला अगर आप देखेंगे तो पहला दूसरा और पहला दूसरा सेम है बीच में एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस है तो आप इसके लिए दोनों के लिए सुकेर करके लिख सकते हैं तो टू एक्स का होल स्क्वायर आएंगे पहले का और दूसरे का भी स्क्वायर आएंगे बीच में आएंगे माइनस ठीक तो इन दोनों को आप फार्मूले में, में यूज़ करके टू एस का स्क्यर माइनस वन का स्कैयर लिख सकते हैं इसके बाद माइनस है आपने ब्रैकेट का लाजिमान यूज़ करनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला दो टर्म है और स्क्वायर है तो इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो है पहले का स्क्वायर तो टू एक्स का होल स्क्वायर इसके बाद माइनस टू पहला वाला टर्म टू एक्स दूसरा वाला टर्म वन इसके बाद प्लस दूसरा वाला टर्म उसका लेंगे ठीक तो ये आ गया आपके पास इसको फॉर्मुले में यूज करने के बाद अब आप देख सकते हैं टोटल माइनस वन और यहाँ पे माइनस है तो सारे जो साइन है वो चेंज होंगे माइनस फोर एक्स का स्क्स इसके बाद माइनस माइनस प्लस टू टूज ऑफ एक्स और इसके बाद प्लस माइनस माइनस वन का स्क्वायर ठीक तो इस तरह से आप तरतीब में लिखेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्र बिल्कुल सेम है और यहाँ पे वन स्क्वायर वन ही आएंगे तो वन लिखेंगे तो आप देख सकते हैं माइनस वन माइनस वन सेम है तो पहले एक्स को लिखेंगे तो फोर एक्स इसके बाद दोनों माइनस हो तो प्लस करेंगे साइन आएंगे माइनस के तो आएंगे आपके पास टू इसमें से आप टू कम बल्कि ही आपका आंसर होंगे फोर एक्स माइनस टू ही आप रखिएगा ठीक इसके बाद अगला है आपके पास सिक्स सवाल है आपके पास सिक्स दोबारा सिंपलीफाई है तो इसमें आप देख सकते हैं सिक्सटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर्टी फाइव ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं अगर चाहो तो नहीं तो कोई हर्ज नहीं है कॉमन लेंगे तो छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना ईजी होंगे अगर कॉमन नहीं लेंगे तो यकीन सिक्सटी को मल्टीप्लाई बाई टू या फोर्टी फाइव को मल्टीप्लाई बाई टू भी आप अगर ईजीली कर सकते हैं तो अच्छी बात होगी ऐसे ही रख के आप कीजिएगा ठीक तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फिफ्टीन कॉमन लेंगे कॉमन लेने के बाद आप देख सकते हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो पंद्रह अच्छु के साथ तो ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें पंद्रह तीस पैंतालीस तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होंगे कॉमन लेने के बाद अब आप फिफ्टीन को बाहर रहने देंगे इसको आपने सॉल्व करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर बाहर रहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसके लिए पहले का स्क्वायर इसके बाद दूसरे का स्क्वायर या टू ए बी पहले लिखी हो आपकी मर्जी तो दूसरे का स्क्वायर प्लस टू ए बी आएंगे इसके साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे इसके बाद माइनस थ्री को रखने के बाद ए

प्लस माइनस माइनस प्लस तो यकीन बात है ये सेम है तो प्लस आएंगे थ्री टू जिक्स ए बी अब इसको आपने क्या करना है मजीद सॉल्व कर देनी है तो आप देख सकते हैं फिफ्टीन बाहर ही रहेंगे ए का स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ एक स्कैयर है तो फोर में से थ्री निकालेंगे तो वन बचेंगे एक का स्क्वायर इसके बाद बी का स्क्वायर यहाँ है और ये है तो दोबारा वन ही बचेंगे प्लस बी का स्क्वायर इसके बाद यहाँ पे एट ए बी सिक्स ए बी तो छह दो बारह तेरह चौदह तो प्लस फोटीन ए बी आपके पास आंसर आएंगे ठीक इसको अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके फिफ्टी ए स्क्यर फिफ्टीन बी स्क्र प्लस फिफ्टीन जरबी फोरटीन ए बी करके आप आंसर में लिख सकते हैं इसके बाद अगला है आपके पास सेवन सवाल है आपके पास वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और बीच में माइनस है तो ये भी आप इजीली कर सकेंगे यकीन तो जल्दी से करते हैं इसको भी पहले का स्क्यर फिर माइनस टू एक्स सॉरी वाई जेड और प्लस दूसरे का स्क्र इसके बाद माइनस है तो ब्रेकिट यूज करेंगे वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस टू एक्स वाई uh, जेड सॉरी तो ये आप लिखने के बाद आप देख सकते हैं वाई स्क्र माइनस टू वाई जेड इसको दोबारा लिखेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे एक काम करनी है जो कि माइनस है तो चेंज करना है है ना तो माइनस वाई का स्क्यर माइनस जेड का स्क्यर माइनस टू वाई वाई जेड होंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई स्क्यर और वाई स्क्यर सेम है जेड स्क्यर जेड स्क्यर प्लस के साथ एक माइनस के साथ तो इसका मतलब सेम है तो ज़ीरो आएंगे जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्रास करके लिखिएगा इसके बाद आप देख सकते हैं दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे टू और टू तो फोर साइन आएंगे माइनस के और वाई जेड आपके पास आंसर होंगे ठीक इसके बाद अगला है एट सवाल है आपके पास सर के नंबर ऑफ योर चॉइस एंड क्रिएट ए सीक्वेंस बाय मल्टीप्लाई ए स्ट्रम बाय वन आवर टू तो यकीन ये बहुत ईजी है आप अपने चॉइस के हिसाब से आप अपने पसंद का एक नंबर लेंगे लेने के बाद आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देनी है किसके साथ वन आवर टू के साथ है ना तो यहाँ पे एट क्वेश्चन नंबर एट ही है तो एट ही लेते हैं ठीक तो आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है पहले ट्रम्प को जो कि एट है इसको मल्टीप्लाई करके आपने किसके साथ वन आवर टू के साथ तो टू टू ज फोर तो यहाँ पे पहला जो ट्रम्प है सॉरी टू फोर जट तो पहला जो टर्म है वो आएंगे फोर इसके बाद आपने क्या करना है दोबारा इसी को वन ओवर टू से दोबारा मल्टीप्लाई कर देने है तो वन ओवर टू तो टू टू तो जो फोर तो अगला वाला जो टर्म है वो आएंगे टू इसके बाद अगला वाला जो टर्म है वो यकीन आप समझ सकते हैं तो टू वन ओवर टू करेंगे तो वन आएंगे है ना और इसी तरह अगला वाला जो टर्म है वन ओवर टू आएंगे तो इसी तरह से ही आएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट नंबर ऑफ योर चॉइस इन के रिट सिक्वेंस बाई मल्टीप्लाई इस टर्म बाई वन ओर टू तो सिक्वेंस बनानी है एक दो तीन चार तो नहीं कहा है ना तो डॉट 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 करके आप इसे सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं तो यही आपका आंसर होंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन वाला जो काम है वो नीचे और इसको ऊपर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे इस करके आपने ऊपर लिखना है नीचे आपने सॉल्व करके इसको ट्रम सिक्वेंस की फार्म में तरतीब से लिखना है ठीक तो ये आ गए आपके पास आंसर अगला है नाइन इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर नाइन गिवन द सिक्वेंस टू फाइव एट एलेवन तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है टू फाइव एट वन डॉट डॉट करके ठीक इसके बाद आपने क्या करना है पार्ट वन है फाइंड इस जनरल ट्रम्प तो जनरल ट्रम्प निकालने के लिए यकीन आपने यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं तो इन नंबर्स को आपने देखना है तो आप देख सकते हैं ये जो नंबर है ना इसमें आप देख सकते हैं टू प्लस थ्री किया हुआ है, है ना और इसी तरह फाइव प्लस थ्री किया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ थ्री टू जस्ट सिक्स सिक्स में से एक माइनस वन करेंगे तो भी फाइव आ सकते हैं तो ये दोनों ट्रम आप कर सकते हैं और जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हैं ठीक तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप अगले वाले जो ट्रम है

माइनस वन करके आप यहां पे लिख सकते हैं तो ये बनेंगे आपके पास जनरल ट्रंप समझ गए इसके बाद आपने क्या करना है फाइंड हंड्रेड ट्रम्प्स यूज इन जनरल ट्रम्प तो आपने क्या करना है हंड्रेड ट्रम्पस को आपने निकाली है इस ट्रम्प को यूज़ करके तो यकी बात है पहला वाला दो जो कि दो आया था तीन दो नहीं छः तो माइनस वन तो अगला वाला आ चुके थे इसके बाद अगला वाला थ्री इसी तरह करते जाएंगे तो हंड्रेड के लिए आपने एन की जगह पर हंड्रेड लिखना है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं हंड्रेड लिखने के बाद माइनस वन तो थ्री हंड्रेड माइनस वन टू नाइनटीन नाइन आपके पास आएंगे आंसर समझ गए इसके बाद अगला है टेन जो कि उन्होंने दिया हुआ है फाइन द सेवंथ टर्म ऑफ सिक्वेंस वन थ्री सेवन फिफ्टीन तो पहला दूसरा तीसरा चौथा उन्होंने दिया हुआ है पाँच छः साथ ये वाला जो ट्रंप है ये आपने निकालने है, तो आप हैं ठीक तो, इस तो इसमें आप देख सकते हैं चौदह प्लस वन, है है वन, वन तो ये टू एन प्लस वन करके इसमें आप लिख के सदुनी चौदह पंद्रह करके लिख सकते हैं तो इसमें आपने क्या करना है फिफ्टीन को पुट करेंगे तो अगला वाला नंबर आएंगे तो पंद्रह इकतीस ठीक तो इकतीस आएंगे आएंगे इसके बाद अगला वाला जो नंबर है 31, 262 तो 62 प्लस 1 63 इसके बाद अगला वाला जो नंबर है वो आएंगे 63, 200 कितना आएंगे 166 और 168 ठीक तो 127 आपके पास तीन जो ट्रंक है वो आएंगे इसके बाद पहले एक दो तीन चार पांच छः सात तो इसका मतलब सेवेंटी जो ट्रंक है वो कितना आएंगे सेवन ट्रम करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं वन ट्वेंटी सेवन ठीक बाकी डॉट डॉट करने की भी जरूरत नहीं है अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हैं अच्छी बात होगी इसके बाद अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर अलेवन तो सवाल है अलेवन अभी डिपोजिटेड आर एस थाउजेंड इन द बैंक इन जनवरी तो अभी ने जनवरी में उन्होंने जो पैसे जमा किया है वो है वन थाउजेंड रुपये बैंक में इसके बाद नेक्स्ट मंथ ही डिपोजिट बा तो अगला जो मंथ है जनवरी फरवरी तो यकीन बात है फरवरी में जो उन्होंने जमा किया है वो है बारह सौ पचास समझ गए एंड कंटिन्यू टू डिपॉजिट इन द सेम रेशियो आप इसी रेशियो में रेशियो का मतलब आप जानते ही है कि कितना इजाफा हुआ है तो यकीन बात है हजार में से बारह सौ पचास तो दो सौ पचास वन रेशो दो सौ पचास के हिसाब से उन्होंने वहाँ पे डिपॉजिट यानी जमा किया है ठीक तो आप देख सकते हैं जो उन्होंने एड किया है बैंक में डिपॉजिट किया है तो वो है आपके पास 250 समझ गए तो इसी हिसाब से वो क्या करेंगे डिपॉज़िट करते जाएंगे पहले हज़ार फिर बारह सौ पचास फिर अगले मंथ वो क्या करेंगे यकीन दो सौ पचास मज़ीद यानी पंद्रह सौ कर देंगे है ना तो इसी हिसाब से जाएंगे न इन द सेम रेशो इस मंथ इसके बाद पार्ट वन जो है वो है फाइंड द अमाउंट डिपॉज़िट इन द मंथ ऑफ हाँ अगस्त अब अगस्त के महीने में कितना वो डिपॉज़िट करेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च तो यकीनी बात है मार्च का जो महीना है उसमें उन्होंने ने यकन 1250 प्लस 250 कर देंगे तो 1500 होंगे इसके बाद मार्च अप्रैल में कितना होंगे 15 16 1750 होंगे इसके बाद मार्च अप्रैल मई में 17 18 19 20 10000 होंगे इसके बाद जो मई जून में क्या हो कितना हो ये आप देख सकते हो जून में 2250 जून जुलाई में पच्चीसो और अगस्त में आपके पास आएंगे सताईस समझ गए तो सताईस सौ पचास रुपये वो जमा करेंगे ठीक तो यही आप लिख सकते हैं प्लस करके प्लस टू दो सौ पचास प्लस दो सौ पचास प्लस दो सौ पचास करके तरतीब से लिखिएगा इसके बाद अगला है फाइन टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन हिज़ अकाउंट तो टोटल अमाउंट कितना होंगे ये आपने बताने हैं तो यकीनी बात है सताईस सौ पचास उन्होंने जमा किया है इसके बाद यहाँ से आप इन सब को प्लस का करते जाएंगे बारह सौ पचास हज़ार पंद्रह सौ सौ पचास इन सब को आपने प्लस करके यहाँ पे यकीन प्लस तो आप कर सकते हो तो इन सब को प्लस करना है, बहुत ही ईजी है आप करेंगे तो इसका जो आंसर आएंगे फोर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड आपके पास टोटल अमाउंट आएंगे ठीक तो यहाँ पे टोटल अमाउंट करके आपने इसके आंसर में लिखना है ठीक तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं मुझे इजाज़त दीजिएगा अल्लाह निगबान